तो दोस्तों स्वागत है सबका। दोस्तों क्या आप जानते हैं कोविन पोर्टल आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने पासपोर्ट को अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यों जरूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इसको लिंक करेंगे काफ़ी आसान स्टेप्स में। चाहे तो आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरी लगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों कई न्यूज़ पोर्टल्स ने इस खबर को छापा है कि इंडियन जो वैक्सीन है उसकी जीत हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका एक ग्रुप है ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक ग्रीन पास बनाया है। इसमें क्या किया है कि वर्ल्ड वाइड चार वैक्सीन ऐसी हैं जिनको इन्होंने अप्रूवल दिया है। जो दुनिया भर के जो भी यात्री हैं, जो भी लोग हैं जो इन चार वैक्सीन्स को लगा के, इनमें से किसी भी वैक्सीन को लगा के आएंगे तो उनको यात्रा करने में कोई ट्रबल नहीं होगा, वो आसानी से यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग फाइजर और दो और हैं, एक जॉनसन एंड जॉनसन की है और एक जो एस्ट्राजेनिका है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों आपको बता दूँ एस्ट्राजेनिका वही वैक्सीन है जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से लग रही है। तो हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने ईयू वालों ने कोविशील्ड को और जो कोवैक्सीन हमारी इंडिया में है, दो वैक्सीन जो चल रही हैं, इनको इसमें जगह नहीं दी थी। तो इससे काफ़ी ट्रेवल हो रहा था, लोग काफ़ी पैनिक थे कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। बट अभी जो न्यूज़ पोर्टल्स में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने साफ साफ यू से कहा था कि अगर आप हमारी वैक्सीन्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर जो आपके भी यात्री यहाँ पे आएंगे जिनको कि आप ग्रीन पास दे रहे हैं, उन्हें भी हम 14 दिन तक या वट एवर द टाइम उसमें हम उनको यहाँ पे उनको अलग से रहना पड़ेगा, उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, ऑलमोस्ट सेवन या एट कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इंडियन वैक्सीन के लिए आवाज़ उठाई है और इसको कंसीडर किया है कोविशील्ड को। तो दोस्तों जो लिंक करने की हम बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा। तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उन लोगों के पास इमिग्रेशन पे डिटेल पहुंच जाएंगी कि आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं और फिर आपको वहाँ पे क्वारंटाइन या फिर और भी जो दिक्कतें होने वाली हैं वो दिक्कतें नहीं होंगी। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ कंट्री ऐसी हो जो बिना वैक्सीनेशन के आपको अलाउ ही ना करें, आपको वैक्सीनेशन मस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीन लगवाना। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो लगवा लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं इस तरफ कि कैसे आपको अपना पासपोर्ट लिंक करना है सर्टिफिकेट के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कोविन पोर्टल पे चले जाना है, ठीक है। इसके लिए आपको जाना है kovin.gov.in पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे ये कह रहा है आपको रजिस्टर करने के लिए आप डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर डाल के, नीचे OTP आएगा, OTP डाल के आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आपने ऑलरेडी जो आरोग्य सेतु है उसके थ्रू या फिर जो उमंग ऐप है उसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सपोज़ आपने मोबाइल नंबर डाला और OTP डाला और आप इसके अंदर गए, तो नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे आएगा कि रेज एन इशू, तो आपको यहाँ पे एक इशू रेज करने के लिए बोल रहा है और ये डिटेल ये कहाँ था, जहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल है उस सेक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखेगा रेज एन इशू। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे आपको तीन वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला होगा जो करेक्शन के लिए आपको बोलेगा कि अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई करेक्शन करनी है, कोई भी आपकी नेम की एरर है, नाम में कुछ स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हैं या डेट्स को लेके कोई इशू है तो आप उसको करेक्शन के लिए रेज कर सकते हैं इशू। दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपको, आप अपनी जो मल्टीपल डोजेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे है वहाँ पे है आपका पासपोर्ट के साथ लिंक करने वाला ऑप्शन, ठीक है, लिंक या पासपोर्ट वाला। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको देखिए इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे चूज़ करना है मेंबर की किसको आपका आपने पासपोर्ट किसका लिंक करना है, वहाँ पे आप चूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें अभी फैसिलिटी ये है कि आप चार मेंबर एक बार में कर सकते हैं, जैसे कि आप आरोग्य सेतु से कर रहे हैं या उमंग से कर रहे हैं, तो एक फ़ोन नंबर से आप चार लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, चार लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, पासपोर्ट का लिंक करने के लिए आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मेंबर, तो आप वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि किसकी डिटेल आपको डालनी है, नाम वहाँ पर डालेंगे आप। देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि
आपको बहुत सावधानी से पासपोर्ट डिटेल्स डालनी है, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा इसको करेक्ट करने का। तो आप डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें इसको, इससे पहले कि आप इसको सबमिट करें। पासपोर्ट नंबर डालें, बाकी डिटेल आप डालें, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद जब आप दोबारा इसको डाउनलोड करेंगे अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को, तो ये ऑलरेडी पासपोर्ट से लिंक्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका नया सर्टिफिकेट होगा जो पासपोर्ट से लिंक्ड होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो जाता है, तो जब इन फ्यूचर जब हमारी वैक्सीनेशन, जो हमारा वैक्सीन है कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इसको इंटरनेशनली अगर मान्यता मिल जाएगी, दोस्तों WHO ने तो मान्यता दे रखी है कोविशील्ड को, बट जो EU की कंट्रीज़ हैं अगर ये भी इसको मान्यता दे देते हैं, आप फिर बिना ट्रैवल के यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आने वाले टाइम पे बहुत फ़ायदा देगा आपको। तो ये था, अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप इसको अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, वैक्सीनेशन मस्ट है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाइए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे, नॉर्मल बुखार आ रहा है, हल्का हेडेक रह रहा है, दैट्स इट, करवा लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।